एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कांशा क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वाद्य यंत्र के बारे में, राजस्थान जीके की बात कर रहे थे हम, जहाँ हम कला संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्र को पढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में, तो हम आज बात करेंगे तत् वाद्य यंत्र की। तो देखिए, तत् वाद्य यंत्र की जब हम बात करते हैं तो तत् वाद्य यंत्र में अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको जितने भी तत् वाद्य यंत्र होते हैं वो सारे चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ट्रिक समझिए पहले। दुख में कसाई रात भर। अब भाई जब सबको ज्यादा दुख होता है तो फिर अब किसी कसाई के बारे में बात चल रही, तो कसाई को बहुत ज्यादा दुख हुआ, रात भर सुर में रब रब गाता रहा, यानी भगवान को भजता रहा। जब किसी को दुख होता है तो क्या होता है, वो भगवान को भजता है, भगवान को याद करता है। तो इसी तरीके से आप याद रख लीजिए कि दुख में कसाई रात भर सुर में रब रब गाता रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये दू से आप क्या बना देंगे, दुका को। दुका को वाद्य यंत्र। क से हो जाएगा कमायचा, स से आपकी सारंगी, ई से आपका इतारा दोतारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका र से आपका रावण हत्ता हो जाएगा। फिर है आपका भ से भपंग, और ये आपका त से हो जाएगा तंदूरा चौतारा और तानपुरा। नेक्स्ट है आपका ये सु से सुरिंदा सूरमंडल हो जाएगा। रब से आपका रबाब हो जाएगा, ये रब से रबाज हो जाएगा, और ये जो ज है यहाँ से जंतर वाद्य यंत्र आ जाएगा। तो ये आपके वाद्य यंत्र थे जो तत् वाद्य यंत्र में लाए करते हैं, फॉल्स करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट तत् वाद्य यंत्र है, चलिए उस पे एक नजर डालते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सारंगी की तरफ। तो गाइस अब हम बात करते हैं सारंगी की। सारंगी देखिए, सभी तत् वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ इसे माना जाता है। लकड़ी जो यूज होती है वो कौन सी लकड़ी इसमें यूज होती है, सागवान की लकड़ी इसमें यूज होती है, कैर की लकड़ी जो होती है इसमें यूज होती है, और रोहिड़ा की पेड़ की जो लकड़ी होती है वो इसमें यूज होती है इस तत् वाद्य यंत्र में। जो गज होता है वो क्या होता है, गज जो आपका जो वायर जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जितने भी आपके तत् वाद्य यंत्र है ये वायर के माध्यम से बजते हैं, तो जो गज होता है वो सारंगी बजाने का एक माध्यम होता है, जिसपे जो वायर लगा होता है वो किसका होता है, वो घोड़े की पूंछ का बाल होता है। और ऐसे कितने वायर होते हैं उसमें, 27 तार उसपे होते हैं, ठीक है, सारंगी के ऊपर 27 तार होते हैं। नागपंथी जो साधु है हमारा, भर्तरी और जो गोपीचंद की गाथा गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। फिर है जो लंगा और जो मांगनिया जो आपकी जाति है, इनके द्वारा इसे बजाया जाता है। सारंगी मूलतः राज्य में कौन सी जाति स्पेशली बजाती है, इन्हें सिंधी और गुजराती कल्चर में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तत् वाद्य यंत्र पे। नेक्स्ट है दोस्तों रावण हत्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट तत् वाद्य यंत्र है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है ये। इसका उपयोग रामदेव जी, पाबू जी, डूम जी, जवार जी, इनकी जो पढ़ वाचन करते समय इसका उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें कुछ जिस तरीके से दिखता है, एक नॉर्मल सा डायग्राम मैंने बनाया है, 9 तार इसमें लगे होते हैं, इसे भी गज के यानी तार के माध्यम से इसे बजाया जाता है। और अगर बात करें कि इसके जो अंदर के स्ट्रक्चर की, तो अंदर यहाँ पे नारियल का खोल लगा होता है और ये बकरे का चमड़ा इसके अंदर मड़ा होता है। तो ये तो थी रावण हत्ते की बात। नेक्स्ट जो तत् वाद्य यंत्र है वो हमारे पास जंतर वाद्य यंत्र है। तो जंतर वाद्य यंत्र बेसिकली क्या होता है, वीणा का एक प्रारंभिक रूप माना जाता है। जैसे वीणा होती है तो वीणा का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे जंतर होता है। तो देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जो गुजर जाति के लोग होते हैं उसके बगड़ावत भोपे इसे बजाते हैं। ये किस तरीके से दिखता है आपने देखा हुआ भी होगा। देखिए ये इसको तंबू बोलते हैं, मगरमच्छ की खाल इसमें लगी होती है, ये 4, 5, 6 ऐसे तार में अवेलेबल होता है और 22 पर्दे इसमें होते हैं, मोम से इसे चिपकाया जाता है। तो गाइज याद रखिएगा इन सब चीजों को। ये आपका था जंतर वाद्य यंत्र। अब हम पढ़ेंगे आगे। दोस्तों नेक्स्ट वाद्य यंत्र है हमारा भपंग। भपंग देखिए डमरू जैसी शेप का एक वाद्य यंत्र होता है। सर्वाधिक कहाँ बजाया जाता है, मेवात अलवर प्रदेश में इसे बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि इसके जो भपंग बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, पहला है उमर फारूक मेवाती और दूसरा है जहूर खां मेवाती। तो दोनों ही आपको याद रखने, पहला क्या है दोस्तों उमर फारूक
मेवाती और दूसरा है आपका जहूर खां मेवाती। तो कुछ इस तरीके से दिखता है और वो ऐसे ऐसे बजाते हैं, आपने देखा होगा ये भपंग को तो सभी ने देखा होगा। ये जो बजाने वाला जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसे हम नकवी बोलते हैं, ठीक है, ये भी लकड़ी का होता है। फिर है हमारा रबाब। रबाब जो होता है वो मेवाड़ में ज्यादा उपयोग किया जाता है, भाट या राव जाति का ये प्रचलित वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा कमायचा। कमायचा बेसिकली हमारे ईरानी वाद्य यंत्र है। उपनाम इसका क्या, इसे सारंगी की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए आपसे एग्जाम में पूछे कि किसे सारंगी की रानी कहा जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, आप देंगे कमायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। 12 तार इसमें लगे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो लंगा और मांगनियार जाति है इनके द्वारा इसे बजाया जाता है। और जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम क्या है यहाँ पे, साकर खां मांगनियार। तो ये आपको याद रखना है, इसके प्रसिद्ध कलाकार उपनाम इसे याद रखना है। तो ये थे हमारे तत्व वाद्य यंत्र। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ और वाद्य यंत्रों पे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास चिकारा। चिकारा जो है वो किससे निर्मित होता है, ये हमारी केर की लकड़ी से। चिकारा मेव बेसिकली सारंगी जैसी दिखने वाला एक वाद्य यंत्र है। फिर हम बात करते हैं नारियल की सॉफ्ट लकड़ी से बना होता है। चिकारा गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है और ये 3 तार का होता है, रावण हत्ता जैसा दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चिकारा वाद्य यंत्र के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों सुरिंदा वाद्य यंत्र। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। सतारा व मुरली के साथ इसे बजाया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जो जोधपुर में है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। लास्ट आपका जो तत्व वाद्य यंत्र है वो है दुकाको, जो भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पे मनाया जाता है और बजाया जाता है। इसके अन्य नाम क्या है, डूचो, डुचाको और दुस्को। तो ये थी दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र की श्रृंखला। अब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। तो स्टे ट्यून विद मी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।